बैरिस्टर साहब साहब भी हैं हमारे साथ। आप एडवाइज़र हैं केपी चीफ मिनिस्टर के ऑन इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया साहब साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली ये बताएं कि इस वक्त सिचुएशन जो अपोजिशन तैयारी कर रही है अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी कर दी है, सो क्या कोई इस वक्त खौफ पाया जाता है हुकूमती हलकों के अंदर? और पिछले चंद रोज के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर हमने सुनी है उसके अंदर हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे गम गुस्सा भी है, कोई फ्रस्ट्रेशन भी है, कोई जल्दी भी है। तो क्या वाकई में हुकूमत जो है वो इस वक्त कोई डरी हुई है? मेरे ख्याल में हुकूमत के डर का ख्याल या तसव्वुर अपोजिशन की खुशफहमी और खुशख्याली तो हो सकती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत क्यों डरी डरे, क्या ऐसा इशू है, कौन सी अपोजिशन जो आपस में तकसीम है, जिसको अब तक ये फैसला करने में भी मुश्किल पेश आ रही है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लानी है, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च करना है तो किसने कहाँ तक मार्च करना है और उस मार्च को कब तक रखना है। इनकी तो आपस की लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही, आपस में कंफ्यूज हैं। इनके लीडर जो है वो एक पार्टी का वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, दूसरा लीडर जो है वो हुकूमत को जो है अदम एतमाद की तहरीक की धमकियां दे रहा है। जबकि बार बार और अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि सेनेट में और कौमी असम्बली में इनको शिकस्त हुई एक खास उस पे इशू पे।